हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डेली अपडेट्स में। तो चलिए आज जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके किसी भी जनरल लेवल एग्जामिनेशन के लिए। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण सब किससे होता है। तो ऑप्शन ए है आपके लिए प्रोटीन, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है विटामिन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है HG के MM में, ऑप्शन बी है MG के प्रति डेसीलीटर में, ऑप्शन सी है भाग प्रति मिलियन में, ऑप्शन डी है ग्राम प्रति लीटर में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी भाग प्रति मिलियन में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 25। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 20। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। ऑप्शन ए है शरीर का निर्माण करने वाला, ऑप्शन बी है ऊर्जा उत्पादक, ऑप्शन सी है विनियामक, ऑप्शन डी है स्थूलतावर्धक। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका शरीर का निर्माण करने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो ऑप्शन ए है आपका कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है लिपिड, ऑप्शन डी है एमिनो अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजाइम प्रोटीन है बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। ए जीवाणु, बी DNA, सी एंजाइम, डी प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, अल्फा केरेटीन एक प्रोटीन है जो ऑप्शन ए है रक्त में उपस्थित है, ऑप्शन बी है त्वचा में उपस्थित है, ऑप्शन सी है ऊन में उपस्थित है, ऑप्शन डी है अंडों में उपस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा त्वचा में उपस्थित है बी। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर, सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए है 42%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 60%, ऑप्शन डी है 80%। तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 42% होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए है मांस में, ऑप्शन बी है दूध में, ऑप्शन सी है चावल में, ऑप्शन डी है दाल में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चावल में, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। ऑप्शन ए है उड़द में, ऑप्शन बी है चना में, ऑप्शन सी है मटर में, ऑप्शन डी है सोयाबीन में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोयाबीन में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।